एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सिर्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि हम आप जानते हो, हमने साइकोलॉजी की क्लास स्टार्ट की है जिसमें हम कंप्लीट साइकोलॉजी यहाँ पे करने वाले हैं। जो ये साइकोलॉजी हम करने वाले हैं ये सभी सब्जेक्ट के लिए वैलिड होगी। देखिए, हर सब्जेक्ट में साइकोलॉजी के कुछ बेसिक ही कंसेप्ट आते हैं, बट कुछ कंसेप्ट जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। वैसे ही सीटेट के लिए जो कंसेप्ट अलग हैं वो हम अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। टीजीटी मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों के लिए, सब के लिए साइकोलॉजी तो सेम ही रहती है। बट टीजीटी लेवल, टैट लेवल की जो साइकोलॉजी आती है उसमें थोड़ा वेरिएशन रहता है। बट यहाँ पे हम पहले हम जो कॉमन सब टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो वेरिएशन आती है दोनों में वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मतलब आपको फुल पैकेज मिलेगा, तो यहाँ पे आप पूरी स्टडी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने अभी 2-3 लेक्चर लिए हैं, बट एक स्टूडेंट्स का था कि मोटिवेशन के ऊपर बनाइए, मोटिवेशन की थ्योरीज किसने दी थी, क्या दिया था, वो चीज़ें बनाइए। वैसे तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, बट सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मोटिवेशन समझेंगे। देखिए, कोई भी काम करना है आपने तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होती है। वो मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो हेल्प करता है, ठीक है, लर्नर की, जो सीख रहा है बच्चा उसकी हेल्प करता है टू किसमें, इंटरनल एनर्जी टूवर्ड द वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट। मतलब जिसको गोल चाहिए, जैसे कोई भी किसी को चाहिए होती है तो वो उसके लिए मोटिवेशन होती है उसकी। जैसे कि कोई किसी को टेस्ट क्रैक करना है तो वो उसके लिए पढ़ता है, तो उसको इंटर मोटिवेशन आ रही है कि वो करेगा, ये चीज़ करनी है उसको, तो ये चीज़ है, हेल्प करता है हमें गोल तक पहुँचने के लिए। अदरवाइज आपको पता है एग्ज़ाम तो है बट पढ़ने का मन ही नहीं करता, बट जब आपको पता है एग्ज़ाम यहाँ पे है, अब है, तो आप पढ़ते हो, तो मोटिवेशन उस टाइम इंटरनली आती है। ये बात की थी रैले एंड लुइस ने 1983 में। तो वैसे मोटिवेशन के बारे में जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्म दी थी, कुछ जो मेन है आपकी वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गुलफर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला था, मोटिवेशन इज ए इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट लीड्स टू ए इनिशिएट एंड सस्टेन एक्टिविटी, जो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देखिए, आप कोई भी काम तभी करते हो जब हमें उससे रिलेटेड मोटिवेशन मिलती है, यानी आपको नीड होती है, नीड होती है तब मोटिवेशन ऑलरेडी आ जाती है। विदाउट नीड आपको मोटिवेशन तो आएगी नहीं, ठीक है। जैसे कि भूख लगी नहीं है तो आप क्यों उठोगे, उठोगे तब जब आपको नीड होगी, तो यही आती है मोटिवेशन। नेक्स्ट कहते हैं एमसी डोनाल्ड ने जो बोला था, ये बोला था मोटिवेशन इज एन एनर्जी चेंज विद इन द पर्सन कैरेक्टराइज बाय इफेक्ट अराउजल एंड एंटीसिपेटिंग गोल ऑफ ए रिएक्शन। एमसी जो डोनाल्ड थे इन्होंने क्या दिया था, 14 इंस्टिंक्ट दिए थे आपके, किसके, मोटिवेशन से, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है मोटिवेशन इज ए सुपर हाईवे ऑफ ए लर्निंग। मतलब लर्नर के लिए ये तो बहुत ज़रूरी है, विदाउट मोटिवेशन आप कुछ कर ही नहीं पाते, तो ये बात की थी स्किनर ने, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अब 3 जो मेन एस्पेक्ट आते हैं आपके मोटिवेशन के, वो क्या आते हैं, नीड। सबसे पहले नीड ही नहीं होगी तो आप कोई चीज़ कैसे लोगे। जैसे कि बायोलॉजिकल, आपको जैसे कि भूख लग रही है, ठीक है, इंटरनल लेवल पे जो चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी लेवल पे भूख लगना, थर्स्ट लगना, एंगर, ये सब बायोलॉजिकल आ गए। सोशियोलॉजिकल में आ गया जैसे कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे जाना है, ये काम करना है, तो सारे नीड, जब नीड जनरेट होती है तभी मोटिवेशन आती है। ड्राइव क्या हुआ, कीप यू एक्टिवेट। देखो, नीड जनरेट हुई, आप एक्टिव हुए। जैसे कि आपको खाना खाना है तो आप पहले सोच रहे हो खाना खाना है, आप एक्टिव हुए, बनाना तो पड़ेगा ही, तो ड्राइव आ गया, कीप यू एक्टिव। फिर आता है एंड थर्ड जो आता है इंसेंटिव, मतलब रिवॉर्ड आफ्टर योर बिहेवियर। पहले नीड जनरेट हुई, फिर ड्राइव हुआ, फिर इंसेंटिव, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको वो चीज़ मिलगी, फुलफिल हो गए आप उस चीज़ से, तो ये आ गया आपका क्या आ जाएगा, इंसेंटिव्स। तो समझ के ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आपने खाना बनाने के लिए उठे, जब बनाने लगे तो हर कुछ बन गया, तो नेगेटिव में आ गया। अगर अच्छा बन गया तो आपने खाया, इंजॉय किया और फिर रेस्ट कर लिया, ठीक है, तो ये आ जाता है आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी। एक और चीज़ समझिए कि मोटिवेशन कैन बी अंडरस्टूड एज एन इंटरनल स्टेट दैट अराउज
arouses direct and maintain a given behavior. So वो हमारे पूरे behavior को change करता है, depend करता है ये need कितनी है, कैसी है, उस पर बंदा काम करता है. अब देखेंगे motivation भी दो types की आती है. देखो एक positive या negative motivation, तो इसको दो parts में बांटा दिया गया है, जैसे कि internal and external. देखो इंटरनल होती है अंदर से आपका मन कर रहा है ये काम करना है, एक होता है धक्के से काम कराना और एक होता है इंटरनली मन कर रहा है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो वो आ गई इंट्रिंसिक मोटिवेशन. लोकस जो कंट्रोल होता है, इसका जो कंट्रोल आ गया वो अंदर है, सो ये बेस्ड करती है पॉजिटिव ऑफ इंटरनल, ठीक है, पॉजिटिविटी ऑफ इंटरनल. इंटरनल पॉजिटिविटी है काम को करने के लिए, वो आती है आपकी इंटरनल मोटिवेशन. फिर आता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मतलब बाहर से, जो जैसे कि आपको आपको मन नहीं कर रहा कि इस चीज़ को करने को, कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि ये करो, जिससे आप मोटिवेट भी होते हो, तो वो आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. लोकस जो कंट्रोल होगा वो आउटसाइड भी होगा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव. अब देखो नेगेटिव कैसे, नेगेटिव होगी अगर कोई गलत मोटिवेट कर दे आपको, ठीक है, काम करना है और आपको कोई ऐसा बोले कि काम ना करने के फ़ायदे क्या हैं, सो ये तो नेगेटिव आ जाएगा. और ये रिवॉर्ड पे बेसिस है, जैसे कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ चाहिए आपको, ये चीज़ मिलेगी आपको तब करना है, तो वो एक्सट्रिंसिक है, ठीक है. जैसे कि कोई जॉब करता है तो वो उसको कई बार, कुछ लोग तो अपने काम से प्यार करते हैं पर कुछ लोग ज़बरदस्ती करते हैं. ज़बरदस्ती वो लोग करते हैं जिन्हें अपना काम से प्यार नहीं होता, वो तो सैलरी चाहिए, घर चलाना तो है ही, तो इसलिए करते हैं. फिर एक और है पुश एंड पुल फैक्टर, ये दिया था जेम्स ए कोलमैन ने. पुश का मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, खुद को आगे लाना, ये आती है इंटेंसिव मोटिवेशन. एंड पुल आता है एक्सटर्नल, मतलब ज़बरदस्ती धक्का दे रहा है कोई, इसमें आ गया एक्सटेंसिंग मोटिवेशन. तो ये सब चीज़ समझिए, क्वेश्चंस भी करेंगे हम लास्ट में. हर चीज़ मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, बुक्स में देखोगे कि बहुत ज़्यादा है लिखा हुआ तो आपको पढ़ने में टफ होता होगा, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में और साथ ही एक्सप्लेनेशन आपको करी है. तो देखिए अब हम मोटिवेशन का साइकिल पढ़ेंगे. मोटिवेशन का साइकिल क्या होता है, ये आगे मोटिवेशन साइकिल. पहले तो नीड होगी, ठीक है, नीड मतलब चाहिए कोई चीज़, ड्राइव आप एक्टिवेट हुए. फिर इंसेंटिव मतलब वो चीज़ मिल रही है. फिर गोल कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो चीज़ मिल गई और गोल कंप्लीट हो गया, तो ये आ गया आपका मोटिवेशन साइकिल. अब हम करने वाले हैं अप्रोचेज ऑफ ए मोटिवेशन. मोटिवेशन की अप्रोचेज क्या आ गई, एक आती है बिहेवियरिस्ट अप्रोच. बिहेवियरिस्ट अप्रोच आती है आपकी एक्सटर्नल, बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उस पर एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड होगी. पैवलॉन, थॉर्नडाइक, वॉटसन, स्किनर, इन सब ने इसके बारे में बोला था. थॉर्नडाइक ने तो बोला था लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में, जिसका आता है थॉर्नडाइक के तीन लॉ मेन हैं, तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो सारा बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये आ गया. नेक्स्ट अप्रोच ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये क्या आती है, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली जनरेट हो रही है, ठीक है, तो ये किस में बात की थी, मॉस्लो, इनके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं. एक आती है कॉग्निटिव, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से है, तो ये है इंट्रिंसिक. थॉर्नडाइक ने बात की थी, अभी हमने बोला लॉ ऑफ फैक्ट जैसे कि उन्होंने बोला था, तो वो चीज़ थी. अब देखेंगे हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन कौन कौन सी आती हैं. अब्राहम मॉस्लो की पढ़ेंगे, जिसमें क्या था, ह्यूमनिस्टिक की थी. एमएस डॉगो, ठीक है, हल्स ड्राइव रिडक्शन थ्योरी पढ़ेंगे. थॉर्नडाइक की अभी हमने बताया कि ये होती है लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, इफेक्ट क्या होगा. स्किनर की आती है रेनफोर्समेंट से रिलेटेड. और सिगमंड फ्रॉयड की आती है एरोस एंड थैंडोर्स. जब हम सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी करेंगे तो यहाँ पे हम पूरा डिटेल में करेंगे वहाँ पे. अभी आप सिर्फ मोटिवेशन से रिलेटेड कैसे हैं. एरोस मतलब आपको जीना है लाइफ, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ एक्सटेंसिव रिलेटेड. और थैंडोर्स आ गया डेथ इंस्टिंक्टिव मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारे आ जाते हैं, तो लाइफ से रिलेटेड, हाँ जीना है वो करना है, तो ये एरोज लाइफ एक्सटिंग में आ गए. और रही बात स्किनर की आपकी, तो देखिए स्किनर ने जो बोला था, इन्होंने रेनफोर्समेंट की बात की थी. रेनफोर्समेंट मतलब किसी को कोई चीज़ देना जिससे कि उसको मोटिवेशन मिलती है कि हमें करना है. तो रेनफोर्समेंट कंटिन्यू भी होती है कि कंटिन्यू जो भी अच्छा काम कर रहा है आप देते जा रहे हो. एक होती है पार्शियल. पार्शियल में आती है इंटरवल, एक आती है रेशो.
इंटरवल, इंटरवल मतलब फिक्स, एक काम करा या दो काम किए तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। सो आपको रिइंफोर्समेंट दिए जाएगी, या तो शाबाश बोला जाएगा या आपको रिवार्ड दिया जाएगा। वेरिएबल, वेरिएबल जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि वेरिएबल में जो होता है आप जैसे कि आप और बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इंटरवल में आ गई। फिर आती है रेशो, रेशो में एक फिक्स्ड, एक आगे फिक्स्ड, एक आगे वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जैसे कि एक एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है तो उसको फिक्स सैलरी दी जा रही है, ठीक है, तो उस टाइप की रीइन्फोर्समेंट। एक है उसको वेरिएबल दी जा रही है, मतलब उसको टास्क दिए जाते हैं कि उसको बोला जाता है इतना काम करेगा तो इस महीने 15 भी मिल सकती है, 25 भी मिल सकती है, 30 भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन यू। सो वो क्या करेगा, बहुत जितना एफर्ट होगा उतना काम करेगा। अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ इससे काम कितना भी करो कि आपको सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, इससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो क्या होते हो, डाउन हो जाते हो। बट आपको जब पता होता है कि अगर आप काम बेटर करोगे तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और चीज़ें भी मिलेंगी, सो आप बेटर वर्क करते हो। सो इस तरीके से जो स्किनर की थ्योरी थी मोटिवेशन के लिए काम करती है। स्किनर ने किससे रिलेटेड बोला था, वो सारे हम अलग अलग थ्योरीज करेंगे इनके बारे में, ठीक है। हमने कर लिया, कौन कौन से कर ली, हमने थॉर्नडाइक की कर ली, लॉ ऑफ इफेक्ट से रिलेटेड स्किनर पढ़ लिया, हमने सिगमंड फ्रॉइड का पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अब्राहम मास्लो की, एमसी डॉगल की एंड हल ड्राइव रिडक्शन की। तो सबसे पहले आता है अब्राहम मास्लो। सो इन्होंने 5 स्टेप में कन्वर्ट क्या है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें डिज़ायर टू बिकम मोस्ट ऑफ वन कैन बी, मतलब यहाँ पे आपके सारे डिज़ायर कंप्लीट हो रहे हैं, हर चीज़ मिल रही है। बट जो फर्स्ट आता है, जिसकी नीड सबको होती है, सबसे पहले ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एस्टीम तक है, ये देखो यहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर तो और भी कम लोग पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो उसकी नीड आती है साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि खाना तो चाहिए ही ना जीने के लिए। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड आ गई, फिर सेफ्टी नीड। अगर खाना ही नहीं होगा तो आप सेफ्टी के बारे में कैसे सोचोगे, तो पहले खाना, घर, ये मिल गया, फिर सेफ्टी नीड मतलब पर्सनल सिक्योरिटी, आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे, जॉब, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आप करोगे। फिर ये सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी होगी, चीज़ों की हेल्थ होगी, फिर आ जाते हैं अब लव एंड बिलोंगिंगनेस से, मतलब फ्रेंडशिपनेस, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, लोगों के साथ मिलना स्टार्ट करोगे और चीज़ें। फिर आता है एस्टीम, इसमें आप खुद को और नर्चर करोगे, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, ठीक है, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा एस्टीम में। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जिसमें कि आप क्या करते हो, आत्मसिद्धि बोलते हैं वो करते हो, मतलब यहाँ पे आपको चीज़ों से आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़, मतलब आप बोलते हैं ना हायर लेवल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की मतलब अंदर से जानना, तो ये आ गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड बहुत 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 क्वेश्चन आते हैं, सो ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इसमें होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या सब लोग, लैक ऑफ होमोस्टेसिस, तो सबसे पहले तो समझे कि होमोस्टेसिस होता क्या है। होमोस्टेसिस एक स्टेज होती है जिसमें कि आप फुली फील्ड हो, मतलब आपको अभी नींद नहीं है किसी भी चीज़ की, मतलब आपका सब कुछ परफेक्टली चला हुआ है। फिर लगती है आपको भूख, तो लैक ऑफ होमोस्टेसिस होता है। फिर जागती है नींद, क्या आपको तो खाना ही पड़ना पड़ेगा। फिर आता है ड्राइव, कि अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। फिर मोटिवेट होते हो आप और फिर करते हो काम, काम करने के बाद फिर से आती है होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस के बाद लैक ऑफ ए होमोस्टेसिस, फिर से मतलब ऐसा होता ना कि जैसे कि आप पहले बोलते हो कि मुझे ये चीज़, ये ड्रेस चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद ड्रेस मिल गई, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, तो ऐसे ही पहले सेटिस्फाई होते हो, फिर से ड्राइव जागता है, फिर तो ये अच्छा भी एक तरफ से डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। फिर आते हैं आपके एमसी डॉगल, ठीक है, इंट्रिंसिक थ्योरी, इसमें जो इन्होंने बात की थी, इन्होंने बात की थी 14 इंस्टिंक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये इमोशन में जब हम करेंगे, इमोशन थ्योरी वहाँ पे भी करेंगे। सो फर्स्ट आता है कॉम्पैक्ट एंड पंजसिटी, एंगर से रिलेटेड है, रिपल्शन, डिस्गस्ट एंड हेट, क्यूरियोसिटी, वंडर, सबमिशन, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, ठीक है, फूड सीकिंग, एपेटाइट,
सेक्स लस्ट, पेरेंटल केयर टेंडर इमोशन लव, ग्रीगेरियसनेस लोनलीनेस, अपील डिस्ट्रस्ट, सेल्फ एसर्नेशन पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, कंस्ट्रक्टिवनेस या जगह फीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी, एक्विसिटिवनेस फीलिंग ऑफ ओनरशिप, एंड फिर आ गया आपका अदर, ये आ गया एम्ब्यूजमेंट। तो ये 14 इंस्टिंक्ट होते हैं, ये इनसे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, पर उन्हें इनसे ये पूछा जाएगा कि 14 इंस्टिंक्ट किसने दिए थे, तो ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये तो बहुत रेयर पूछा, वैसे तो कभी पूछा ही नहीं गया है, बट आप जस्ट देख लीजिए कि 14 इंस्टिंक्ट होते हैं। फिर एजुकेशन में कैसे रोल प्ले करता है ये, ठीक है। देखो ना, अब स्टूडेंट्स टीचर बोलेगा पेपर आएगा, तो आप पढ़ने को मोटिवेट होगे ना, ठीक है। अगर बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करोगे। रिवार्ड से आपको मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, तो आप काम करते हो। पनिशमेंट, अगर काम नहीं करोगे तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी, मतलब कुछ खड़ा होना पड़ेगा, डांट पड़ेगी, ये होगा वो होगा, तो ये सब कुछ होगा। प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, ये सब क्या होता है, मोटिवेशन। तो टीचर को चाहिए कि बच्चे को हमेशा मोटिवेट रखे, को गाइड करता रहे कि क्यों ज़रूरी है क्या नहीं है, क्योंकि हम तब तक कोई काम नहीं करते जब तक हमें लगता नहीं है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर कॉपरेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से रिलेशन बनता है, मोटिवेशन मिलती है, काम कैसे इकट्ठा होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। सो ये आ गया मोटिवेशन के बारे में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपको समझ आता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आएगा रिजवाना लाइक to achieve a goal but after lots of a trial she failed, which of the following reaction will she would likely, मतलब ये मेहनत कर रही है but goal को नहीं मिल रहा है, तो क्या है, fixation है, regression है, withdrawal है, या restructuring, तो उसे क्या करना चाहिए, मतलब मेहनत करी जा रही है, फिर से मेहनत करी जा रही है, तो क्या करिए, restructuring कर रही है ना वो, तो option D is the correct। next आता है What would a teacher tell her student to encourage them to do task with intrinsic motivation? ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, what should a teacher tell her student to encourage करेगा कि काम करो, to task with intrinsic motivation, मतलब उसको इंटरनल से इफेक्ट करना है काम करने के लिए, तो क्या बोलोगे आप, कम ऑन फिनिश बिफोर शी डज, वाई कैन कांट यू बी लाइक हिम, She is done it perfectly. Complete the task fast and get coffee. ठीक है, Tell to do it, you will learn. मतलब ऐसा थोड़ी ना करेगी वो कि हाँ तुम करो, वैसे कोई भी चीज़ तो बोलोगे करो और सीखोगे, तुम इंटरनली सीखोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Let try आएगा, ठीक है, That आ गया यहाँ पे, Try to go it and you will learn. मतलब काम करो, कोशिश करो, यू लर्न कर लोगे, सीख लोगे, कोई टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन टीचर एनकरेज टू हर स्टूडेंट टू बी इंटेंसली मोटिवेशन टूवर्ड द लर्नर फॉर इज सेक ऑफ ए लर्निंग। सो इसमें क्या आ जाएगा, टीचर एनकरेज करेगा स्टूडेंट को इंटेंसली टू मोटिवेट टूवर्ड द लर्नर, जैसे कि लर्निंग, तो क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल एनेक्सिटी फियर, फियर तो आएगा नहीं, गिविंग ए कम्पिटेटिव टेस्ट, इससे तो बच्चा डर जाएगा, सपोर्टिंग दैम इन गेटिंग ए इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी, तो उसको सपोर्ट करेगा कि काम करो और गोल को ऑब्टेन करो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है थर्ड लेवल ऑफ ए हायरार्की ऑफ ए नीड इज, थर्ड लेवल क्या आता है हायरार्की ऑफ ए नीड, तो देखो थर्ड लेवल आप देखोगे, फर्स्ट साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगनेस, फिर एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है। तो थर्ड लेवल कौन सा है, लव एंड बिलोंगनेस, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वर्क हार्ड एंड क्लियर ए एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट टू एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज द स्टूडेंट इज सेट टू बी मोटिवेटेड, मतलब वो बहुत कोई आप कोई भी काम करते हो, इंटर्न आप क्या करते हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट्स मी आपको ज़बरदस्ती थोड़ी ना करवा रहा है, ज़बरदस्ती आपको एक दो दिन पढ़ा सकते हो, बट आप कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो और आप उसको क्लियर भी करते हो, तो आप मोटिवेटेड कैसे हो, इंटरनली, तो यहाँ पे आ जाएगा इंट्रेंसिकली, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़ ऑफ ए वुमेन सेलिंग हर चिल्ड्रन टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन बेसिस ऑन,
ठीक है, तो इसमें आ जाएगा जैसे साइकोलॉजिकल थ्योरी इस रिलेटेड है, या थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, या साइकोएनालिटिक थ्योरी, या थ्योरी ऑफ ए हायरार्की नीड। तो ये नीड में आती है, काम करने के लिए, फूड के लिए काम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा थ्योरी ऑफ ए हायरार्की नीड, मतलब ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन मोटिवेशन से रिलेटेड आते हैं। देखिए जैसे कि ना, अब मैं बोलूं कि हाँ आप क्वेश्चन 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 करते रहो, प्रीवियस ईयर ही करो, तो तुम्हारा जो आपका साइकोलॉजी सेक्शन है ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जैसे कि और सब्जेक्ट का हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, साइकोलॉजी के क्वेश्चन क्या आते हैं कि बहुत कम रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बट जानने के लिए कि कैसा पेपर आता है तो वो चीज़ करना, क्योंकि यहाँ पे किसी भी वे से होगा, शायद कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सेम ही होगा बट क्या होता है अलग वे से पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज। सो इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और साइकोलॉजी तो आपकी पक्की हो जाएगी। सो मेरे साथ बने रहिए, बेस्ट आपको साइकोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड होंगे और यहाँ पे आप अच्छे से समझ लोगे सारी चीज़ें, हर कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फिर अब क्या करना है आपको, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में बेल आइकन दबाना है ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फिर क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।